तू ऋतु को फोन करके बोल कोरियंथन स्विमिंग पूल आ जाए, वहाँ भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल आया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को, चल फोन निकाल, चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुक ना। ये रहा। बिजी है बिजी। साले लगा हुआ है कर बात। हाँ ऋतु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियंथियम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। हाँ ऋतु मैं पक्का बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु स्लाइड चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियंथियन क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बुआ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगु शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगे। बोलो क्या लोग? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखे तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं है। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टाइम तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे? मुझे देखते ही सुई चुभ गई नीचे। आप क्या बे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू क्या वापर आता है? आप कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 कोई बेवकूफ बना चुका है। देख देख ऋतु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने, तू बहुत महान है ढमढेरे। अबे क्या कर रहा है धत पे मर साले के, बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में इकला। तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लौंडों के सामने दम तोड़ दिया। यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या? मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह
क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ से खाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम रितु हो? बहुत अच्छा। अच्छा हो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। हाय समीर। और मैं मार्तंड। हाय। अच्छा हो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ, क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ने बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है। हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ वही तो मुसीबत की जड़ थी, ये हिंदू वो क्रिश्चियन। सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो, आजा मेरे साथ। ऐसा ही मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ तू मत रो, मत रो, मत रो, मत रो मेरे भाई। अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। भैया के आखिरी दिनों के सच बताने के लिए शुक्रिया, इन बिखरी कड़ियों से मेरी जिंदगी भी बिखरी रहती थी। तुम लोगों ने समय की, तुमने भैया से दोस्ती की थी तो अब मुझसे भी करनी पड़ी। रितु के बाजू की सीट की बुकिंग मैंने की है। हाँ ओके, लेकिन दूसरे बाजू की सीट मैंने बुक कर ली है। कोई बुकिंग नहीं कर सकता, रितु ने टिकटें खरीदी हैं, जो जिसके हाथ में आए वो वहीं बैठेगा। ओके सही है, बिल्कुल सही है। हेलो कहाँ हो तुम? अरे नहाने के लिए बाथरूम चेंज किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरे लिए ला दे। हाय मार्तंड। मारो साले टटिंदर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। टू मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। अबे मारू के बच्चे, तेरी खाल तो मैं बाद में उखाड़ूंगा। चौधरी नाटा का सोना लॉकर से बाहर निकाल।